Hey guys, तो आप लोग का कंप्लीट है। जैसा कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि मैंने पहले बैकअप में वीडियो करा दिया कंप्लीट जो क्वेश्चन थे। अब कुछ क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन फिर से लेकर आया हूँ, ठीक है, जो कि आपका CGL, CHSL एंड CHSL प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए, मैंने चार क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व करा दिया एंड फिर से थोड़ा अलग टाइप पे लेकर आया, ठीक है। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। और जो लोग भी बेसिक वीडियो को बेसिक रूम को नहीं देखे जाकर प्लीज पहले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। जैसा कि कोई वस्तु 15% के लाभ और 17% के हानि पर बेची जाती है तो इसके विक्रय मूल्य में 96 का अंतर है, यानी कि सेलिंग प्राइस में 96 का डिफरेंस है। 18% के लाभ पर बेचा जाता है तो बेचा जाता है 10% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य निकाले। 10% के लाभ पर बेचा जाता है तो क्या बड़ा है, विक्रय मूल्य निकाले, ठीक है। यहाँ पे तो बोल रखे, यहाँ पे देखिए डबल डैम लिखा गया है, ठीक है। इसको मैं 10% के लाभ पर बेचा तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें, डायरेक्ट यहाँ पे ये भी हो सकता है। तो इसका क्या फाइंड आउट करना है, विक्रय मूल्य, ओके, यानी कि सेलिंग प्राइस आपको निकालना है इसका विक्रय मूल्य। एक ही चीज दोबारा रिपीट हो गया था, विक्रय मूल्य निकाले। चलिए नेक्स्ट है, एक व्यक्ति ने 8% के हानि पर एक किसी वस्तु को बेचा, यदि 10.5 के यानी 10.5 रुपये के लाभ पर बेचा तो 37 रुपये उसे अधिक मिले तो उस वस्तु का सेलिंग क्रय मूल्य कितना था, यानी कि कॉस्ट प्राइस। 15 वस्तु के लागत मूल्य पर 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि परसेंट निकाले। यदि 40 लेखों का विक्रय मूल्य 50 लेखों के लागत मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि परसेंट निकाले। ये क्वेश्चन आपके CGL में, CHSL में, MTS में बहुत ही बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो चलिए गाइस टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। बोला कोई वस्तु 15% लाभ और 17% के हानि पर बेची जाती है और इसमें इस दोनों का अंतर कितना है तो इसके विक्रय मूल्य में 96 यानी 96 का अंतर है। यदि 10% के लाभ पर बेचा जाएगा तो विक्रय मूल्य बताएं। जब भी लाभ या हानि हो, पहले इसका मैं बेसिक आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए कोई भी वस्तु आप कभी अपने आप पे क्या, कोई बैठ का 100 रुपया होता है ना, ठीक है। तो बोल रहा है कि 15% लाभ तो मुझे प्रॉफिट कितना का हुआ, 115 का, ओके। 17% क्या है, यानी 100 में 17 घटा दो कितना आपका बचेगा, 83, ओके। अब दोनों का डिफरेंस देखो कितना आएगा, 83 से 115, यानी कि आपका आएगा 15 30 32 32, आपका आएगा दोनों में 115 में से 83 घटाओगे ना तो 32 आएगा, ठीक है। यानी कि 32 रुपए का मुझे पता चला ये दोनों का अंतर का बीच का। तो बोल रहा है कि 10% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें, ओके। एक चीज में से ज्ञात करो तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, हमको पूछ रहा है सेलिंग प्राइस यानी कि SP बराबर, ओके। कितना बोल रहा है, 96 का अंतर है, यानी कि मुझे जो बोलेगा जितना पर उसको हम यहाँ पे लिखेंगे 96, ठीक है। मुझे कितना है दोनों में डिफरेंस का, यानी कि 32 रुपया, ओके। अब कोई भी अब बोल रहा है तो यदि 10% के लाभ पर बेचा जाता तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें, 10% की प्रॉफिट करते हो तो कितना हो जाएगा, 110 होगा ना। यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, 110, ठीक है, 110 प्रॉफिट हो गया मेरा। अब देखो 32 का टेबल से कट जाएगा, 3 टाइम में 32 96 और 3 को 11 से मान लो, यानी कि 330 रुपया ये मुझे क्या आ गया, आपका सेलिंग प्राइस आ गया। ये आपका था बेसिक। एक अदर मेथड यहाँ पे आते हैं, ठीक है, धीरे धीरे पता। एक चीज में से याद रखो, जब भी लाभ या हानि हो ना तो क्या होता है, दोनों ऐड हो जाता है, लाभ और हानि होगा तो ऐड। यदि केवल लाभ ही लाभ हो ना, एक इधर भी लाभ हो रहा है उधर भी लाभ, तो माइनस होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो यदि 15% लाभ हो रहा है 17% की हानि पर तो इसके विक्रय मूल्य में 96 का डिफरेंस आ रहा है। यदि 10% के लाभ पर बेचा तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। यदि 10% के लाभ पर तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। हर तरह क्वेश्चन से सेकंड में देखिए इस पे है। तो चलिए तो क्या करेंगे हम, पहले लाभ यानी कि मुझे क्या प्रॉफिट भी है और लॉस भी है ना, 15% लाभ तो मुझे क्या आएगा, ऐड कर देंगे 15 17 को ऐड करो कितना आएगा आपका, 32 आएगा। अब देखो मुझे निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस यानी कि SP निकालना, विक्रय मूल्य। तो मुझे कितना पर, 96 पर निकालना था, यहाँ 32 दोनों का आया और कितना 10% का लाभ हो रहा है ना, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखूंगा, 110। फिर इसको करा दिए 3 बार में, 11 110 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 330 रुपया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो ठीक है। आप लोग स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं या ले सकते हैं, बिकॉज इसको मैं रब करूंगा। प्लीज गाइस ले सकते हैं। एंड आपको वीडियो क्वालिटी कैसा लग रहा है प्लीज मुझे आप लोग बताएं कॉमेंट में।
कंटेंट का सर आपको वीडियो अच्छी लगी तो पहले लाइक करें, कमेंट करें एंड फ्रेंड के बीच में शेयर करें, ठीक है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब आते हैं सेकंड में। एक व्यक्ति ने 8% के हानि पर लेख बेचा, ये 10.5% पर बेचा तो 37 रुपए अधिक मिले, तो लेख का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी कि क्वेश्चन देखो, 8% यहाँ दिया है हानि, इसमें देखो यहाँ पे 17% दिया था, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए 8% का हानि हुआ, तो इसको लाभ भी हो रहा है कितना, 10.5% का लाभ हो रहा है ना, 10.5% का लाभ हो रहा है, तो 37 रुपए इसमें अधिक मिला। यानी कि दोनों का डिफरेंस, तो देखिए यहाँ पे हानि हुआ, यहाँ पे लाभ हुआ, तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो 10.5 में कितना ऐड कर देंगे हमें, 8, यानी कि 10.5 में ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 18.5, ठीक है। 37 रुपए अधिक मिले, यानी कि जो डिफरेंस हो जाएगा 37 रुपए, यानी कि ये आपको हो जाएगा क्रय मूल्य पूछा है ना, तो सेलिंग प्राइस। तो देखिए इसमें मुझे निकालना है सीपी, मुझे कितना का हुआ है, 37 रुपया है अधिक, तो यहाँ पे 37 ऊपर लिखाएगा, ठीक है। 18.5 कहाँ आएगा, नीचे आएगा, ओके। अब इसमें देखना है तो लेख का क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो लेख का क्रय मूल्य इसमें देखिए, इसमें आपको दिया था ना 10% के लाभ बेचा था तो विक्रय मूल्य निकाले, इसका नहीं बोला, डायरेक्ट क्या बोला, लेख का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो कोई भी वस्तु अपने अपने कितना होता है, 100 होता है, तो यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, 100 रुपए, ठीक है। तो लेख का क्रय मूल्य, अब देखो पॉइंट है, पॉइंट कहाँ जाएगा आपका, ऊपर। अब 37 से आपको 185 कटाना है, कटेगा 7 × 5 = 35, 7 × 21 = 5, 7 × 5 = 21, 5 × 5 = 15। हाँ देखिए कभी भी कटाना होना कट जाएगा, उतना सुना, देखिए 37 का ही कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में देता है ना, तो ऐसा देता है ना कि जो कि कट ही जाए। तो देखो 37 का टेबल किसी को याद नहीं होगा, लेकिन आप कटा सकते हो। 7 का टेबल में देखो कि 5 कब आता है, तो 7 × 5 = 35 आता है, तो देखो 5 टाइम से कट रहा है, 7 से 5 बार में कट जाएगा, 7 × 5 = 35 हो गया, अब 5 × 3 = 15, और इसका हासिल जो रहा 3 × 5 = 18, तो कितना टाइम में कट गया, 5 टाइम में, ठीक है। देखो अब 5 से इसको कटा देंगे 1000 के, यानी कि ये कितना बार में, 2 टाइम में, यानी कि 200 रुपया आपका इसका क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस, यानी कि वस्तु का मूल्य था, सब कट गया। उम्मीद करते हैं ये भी आपको अच्छे समझ आएंगे। चलिए फिर से मैं कहता हूँ, हानि और लाभ दिया है, दोनों को ऐड कर देंगे, 8 और 10 18.5 आ गया, ठीक है। 37 रुपए का अधिक बोला है, 37 रख दूंगा, 18.5 रख दूंगा। अब कितना आया, इसका दिया था 10% के लाभ पर, इसका कुछ नहीं दिया, तो बोला है केवल डायरेक्ट लेख का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो इसको मैं अपने आप में कोई वस्तु 100% में होता है, और फॉर्मूला भी होता है इसका, सेलिंग प्राइस बाय प्रॉफिट इंटू 100%, ये आपका 200 रुपया, ठीक है, कंप्लीट। अब चलिए मैं नेक्स्ट में आता हूं, क्वेश्चन नंबर गाइस लास्ट, यानी कि 4 क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ क्या है, अब थोड़ा टाइप अलग है, चेंज है। 15 वस्तु के लागत मूल्य पर लागत मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंट निकाले। देखिए 15 वस्तु का लागत मूल्य, लागत मूल्य किसको बोलते हैं, मैंने बताया था ना, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस को ही क्रय मूल्य बोलते हैं, सीपी बोलते हैं और कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, ठीक है। तो 15 वस्तु का क्या बोल रहा है, 15 वस्तु के लागत मूल्य, यानी कि सीपी जो है किसके बराबर है, 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 10 × विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस एसपी। यहाँ देखो सीपी बाई एसपी हो जाएगा, ये बटन में आ जाएगा ना, ये 10 बाई क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। अब देखो यहाँ कटा दो 2 बार में या 3 बार में, अब खुद से मान लगाओ यहाँ इस वस्तु का कितना था प्राइस, 2 रुपया था, और इसको बेचा कितना में, 3 रुपया, इसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ कितना का, 1 रुपया का, ठीक है। अब मुझे बोल रहा है कि तो लेख का क्या बोला है, तो प्रॉफिट या लाभ या हानि परसेंट निकाले, यानी कि प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, ठीक है, ओके। तो प्रॉफिट कितना का हुआ मुझे, और किस पे हुआ, प्रॉफिट 1 रुपया का हुआ, ठीक है। किस पे होता है, कोई भी वस्तु कभी भी होता है ना, तब कॉस्ट प्राइस पे होता है, यानी कि जितना वस्तु का पहले मूल्य था, तब पहले का मूल्य इसका देखो सीपी के सामने